स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों एक बहुत बड़ी अपडेट है फॉर द न्यू सेशन। जैसा कि आप जानते हो एग्जाम पैटर्न हैज चेंज्ड, अच्छा खासा चेंज आया है एग्जामिनेशन के पैटर्न में। अब ये चेंज आया कहाँ पे है, क्या ये आपके लिए परेशानी हो सकती है? तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज को घटाओ एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो है डिसाइडेड टू इंक्रीज द एमसीक्यू एंड रिड्यूस द डिस्क्रिप्टिव। इसमें घाटा नुकसान दोनों है। देखो एमसीक्यू के साथ क्या चक्कर है ना कि वो या तो राइट है या तो रॉन्ग है, यानी कि या तो आपको नंबर मिलेगा या तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं ना उसमें अगर आपने आधा अधूरा लिखा है ना स्टेप्स, तो यू विल गेट द मार्क्स ऑफ स्टेप्स। तो ये एक प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्टिव ही अगर रहा तो। बेनिफिट ये है कि अगर एमसीक्यू सही है तो पूरा ही सही है, आपको टेंशन नहीं है कि मैंने इतने कीवर्ड्स लिखे हैं नहीं लिखे हैं। तो कहते हैं ना हर चीज एक बेनिफिट के साथ आता है, तो इसका बेनिफिट भी है और इसका सरदर्दी भी है। तो आपने अगर अपना एग्जामिनेशन पैटर्न देखा हो तो आपको पता चल गया हो कि तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू को बढ़ा दिया गया है, और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जिससे बच्चों की जान बचा करती थी वो उसको उल्टा घटा दिया गया है। इसको सीबीएसई ने ये फोर्सी किया है कि थोड़ा सा स्टडी पैटर्न हम चेंज करें, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस किया जाए। बोर्ड ने इनिशिएट किया है द पोटेंशियल चेंज इन एग्जामिनेशन, क्योंकि अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है इन द अकेडमी सेशन 2023-24 विद द रिकमेंडेशंस। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और होंगे। अब ये देखो 2024 का है, क्लास 10th वालों की कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो होगी वो 50% होगी। एम्स ये जो हमारा ये है 20% एमसीक्यू, और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स 30%। ठीक है, क्लास 12th के लिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड 40% है, एमसीक्यू 20% है, और कंस्ट्रक्शन और शॉर्ट एंड लॉन्ग था वो भी 40% है। अब प्रीवियस ईयर का आप जरा देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो देखो आपके 40% थे, ऑब्जेक्टिव एज इट इज है, और रिमेनिंग ये भी 40% था। उसी तरीके से क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड 30% था, ऑब्जेक्टिव 20 और रिमेनिंग 50%। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कुछ बच्चों के लिए अच्छा है कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसीलिए डाला ही जाता है ताकि आपकी थिंकिंग जो है ना, इसीलिए इस बार अप्रोच के नंबर स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। तो जो आप अगर नए सेशन के बच्चे हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें, क्योंकि इसके परसेंटेज काफ़ी हाई है। अगर आपने इसको टैकल कर लिया तो आपके नंबर पूरे आएंगे। सो अब जब आप पढ़ाई करोगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ट्राई टू स्टडी ईच टॉपिक विथ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। एम सी क्यू में क्या होता है ना कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है ना, तो आप ऑप्शन में ही कन्फ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे। तो आपको कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लैरिफिकेशन लेना है। बी अटेंटिव टूअर्ड्स अनफेमिलियर सिचुएशंस एंड देयर कंसिक्वेंसेस, क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जब पूछ दिए जाते हैं ना तो अपनी ये रटी रटाई चीज़ें तो हम समझ लेते हैं, रियल लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा फंसते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहना होगा कि आप क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रॉडन योर थिंकिंग एबिलिटी बियॉन्ड द एकेडमिक करिकुलम। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज या किताबी लाइन को रट्टा मारने का समय अब निकल गया। अब चूंकि आप देख सकते हो एआई का जमाना आ गया, ऑब्वियसली अगर आप रटी रटाई चीज करोगे तो जॉब मार्केट तक पहुंचते पहुंचते जो है जॉब्स ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसे मैक्सिमम जनता जो है बच्चे जो है वो आईटी सेक्टर वगैरह में जाना चाहते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने ऐसी पकड़ बना रखी बनानी शुरू की है कि जॉब जो है अगर आप एनालिटिकल थिंकिंग है थिंकिंग एबिलिटी पे ही आपको जॉब मिलेगी बाद में। ठीक है, तो रटी रटाई जो दुनिया थी वो धीरे धीरे बदलनी भी चाहिए, तो बदल रही है और आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी सोच अगर एनालिटिकल है तो ही आप आगे चल सकते हो। सो रीड द गिवन क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर। कभी कभी ज्यादातर बच्चे मुझे भी ऐसे मिलते हैं जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो विदाउट इवन थिंकिंग दे स्टार्ट आंसरिंग, और जब वो आंसर करने लगते हैं उसके बीच में उन्हें समझ में आता है कि उन्हें बोलना क्या है और क्या उन्हें नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जब लिखते हो ना तो उसको समझो कि कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स और पैराग्राफ एटलीस्ट ट्वाइस टू क्लियरली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। प्रैक्टिस सेवरल क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर फॉर्मेट। जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ढेरों प्रैक्टिस करो। अब तो सैम्पल पेपर्स की कोई कमी नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी गिवन है, सॉल्व क्वेश्चंस, मैक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स।
जब आप करने लोगोगे ना कुछ क्वेश्चन, तो आपकी आपका दिमाग खुद ही चलने लगेगा कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन को हम ऐसे हैंडल करते हैं। सो दिस इज अ बिग चेंज जो नए सेशन में आया है। अब और कितने चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट और अपडेट्स आपको यहीं से मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।